नमस्कार, आप देख रहे हैं नदी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सुवासरा सीट से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले हरदीप सिंह डंग के सामने कांग्रेस ने युवा उम्मीदवार राकेश पाटीदार को मैदान में उतारा है। राकेश पाटीदार का साफ कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को सुवासरा की जनता सबक सिखाएगी। राकेश पाटीदार से खास बातचीत की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। हमारे साथ हैं राकेश पाटीदार, जो जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, युवक कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। राकेश जी, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में मैदान में जाएंगे? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस तरीके की संविधान की हत्या इन लोगों ने करी है, आज जो संविधान लिखा गया था उसमें ये लिखा गया था कि आप जनप्रतिनिधि को चुना जाता है तो 5 साल के लिए चुना जाता है, और एक चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से पीछे के रास्ते से और नोट के बल पे, धन बल के बल पे गिराया गया है, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे इधर यही रहेगा कि संविधान की हत्या, ठीक है। दूसरा मुद्दा, जो किसानों का कर्ज माफी चल रही थी, लगातार कमलनाथ जी चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफी कर रहे थे, तो जिस तरीके से कर्ज माफी रुकी और कर्ज माफी रुकने के कारण किसानों की बैंकें ओडी हो गई, तो किसानों को सरकार गिरने की वजह से दोहरी मार पड़ गई, तो सारे किसान आज हाहाकार मचा रहे हैं। तो जिन लोगों ने आज जिस तरीके से, जिन लोगों की वजह से सरकार गिरी है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है क्योंकि उन लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि कमलनाथ जी उनका कर्ज माफ कर रहे थे, मुआवजे का पैसा जो अति बारिश हुई थी या बाढ़ आई थी तो उसका मुआवजे के पैसे की एक किस्त डल चुकी थी, तो 75% पैसा और बकाया था, तो वो पैसा भी किसानों के खाते में कहीं ना कहीं महीने, डेढ़ महीने में आना था, वो पैसा भी रुक गया, तो किसानों को 3-4 तरफ की मारे हुए पड़ी है। और ये एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, किसान ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे किसानों की समस्याओं को लेके, जैसे कि आज किसानों को बिजली के बिल दे दिए, अभी वर्तमान में फिर किसानों की फसल खराब हो गई है, तो ठीक है किसानों के अभी कोई सर्वे करने वाले नहीं आ रहे, तो ऐसे सारे मुद्दे हैं, तो ये सारे मुद्दे विधानसभा चुनाव में रहेंगे। लेकिन स्थानीय स्तर पर किसान और बीजेपी का जो आरोप है वो ये साफ तौर पर है कि इस क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफी हुई नहीं है। नहीं, किसानों की कर्ज माफी हुई है ना, किसानों का घर घर प्रमाण पत्र है, आप हर गांव में चले जाइए, एक गांव में मैक्सिमम नहीं तो 50, छोटा गांव होगा तो 50 काश्तकार, 60 काश्तकार, 70 काश्तकार, उनके पास प्रमाण पत्र पड़े, उनके बैंकों में पैसा आया है। जैसे कि सुवासरा तहसील में तो 50,000 तक का ऋण माफ हो चुका था, और जो कालातीत ऋण था वो 1-1.5 लाख तक का माफ हो चुका था, ठीक है। और ये अपन खड़े हैं सीतामू तहसील, सीतामू कैंपुर तहसील में तो 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो चुका था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, किसानों का आप किसी भी गाँव में जाके पूछ लीजिए, कर्ज माफ हुआ है। कांग्रेस की लड़ाई क्या बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ पर होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। बिकाऊ मैं तो पहले बोल चुका हूँ, जिनने लोकतंत्र की हत्या करी है, भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की धज्जियां उड़ाई है, तो इसलिए ये तो रहेगी कि गद्दारों के खिलाफ तो बिकाऊ के खिलाफ टिकाऊ तो रहेगा, इसे इस मुद्दा विशेष करके मुद्दा रहेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी, कमलनाथ वर्सेज शिवराज सिंह चौहान। नहीं देखो, शिवराज सिंह जी का चौहान एक समय चेहरा था, आज चेहरा वो नहीं रहा है कमलनाथ जी के 15 महीने के पनिस्पत, क्योंकि जब 15 साल की सरकार थी, वो लोगों ने जो 15 महीने में देखा है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप 5-7 किसानों को इकट्ठा कीजिए, उनको 1 घंटे का मौका दीजिए कि सोचने के लिए कि आप 15 साल में आपका कितना फायदा हुआ और 15 महीने में कितना हुआ, तो ये बोल देंगे कि 15 साल पूरा एक तरफ और 15 महीने एक तरफ है, क्योंकि हर किसान को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, डायरेक्ट फायदा हुआ। तो आप जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए क्या, जो क्षेत्र की जनता चारों तरफ आप जाइए गांव में देख लीजिए, हाहाकार मचा रही है। देखो सबसे बड़ी लड़ाई है कि कांग्रेस भाजपा की लड़ाई नहीं रही है, कांग्रेस ये किसानों की, कार्यकर्ताओं की और आम नागरिक के अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को नोट के बलबूते पर अगर सरकार बनाई जाएगी, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है आप हो, कोई भी हो, तो आपके वोट का कोई मूल्य ही नहीं है ना। आज कोई बड़ी कंपनी आएगी आपके वोट को खरीदेगी, वो उसके हिसाब से सरकार चलाएगी, तो सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है लोकतंत्र में कि हमको जिस तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नोटों के बलबूते पे सरकार के, तो इन लोगों को सबक सिखाना है, ये सबसे बड़ी चीज। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सुवासरा जनता को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि सुवासरा की जनता ने जिस तरीके से हरदीप सिंह डंग का साथ दिया था पिछले 2 चुनाव में, कांग्रेस को यहां से विजय बनाया था, तो आज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज सारे मतदाताओं से कि जिस तरीके से जागरूकता से आपने पहले भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और आज भी वो वापस शिवराज सिंह सरकार के जनता के खिलाफ, शिवराज सिंह की सरकार के खिलाफ जनता लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस को जिताएगी और कमलनाथ जी को वापस मध्य प्रदेश में काबिज करेगी।
ये थे राकेश पाटीदार, युवक कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं बल्कि आम जनता के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि दूसरे तरफ संविधान का उल्लंघन किया है और लोकतंत्र की हत्या की है। ऐसे में देखना होगा कि सुवासरा की जनता जनादेश किसे देती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, सीतामऊ, सुवासरा।